हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिवा के डी कंप्रेसर की टाइमिंग के बारे में, कि डी कंप्रेसर में भी क्या टाइमिंग होता है और इसे कैसे सेट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके डी कंप्रेसर की टाइमिंग को कैसे सेट करते हैं। आपने मैगनेट की टाइमिंग को तो बराबर आपने देखा होगा, हर वीडियो में आप ये देखते होंगे कि मैगनेट की टाइमिंग आपको बराबर होना चाहिए। बट साथ ही साथ आपको ओल्ड एक्टिवा में ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको कैमशाफ्ट और डी कंप्रेसर का दोनों भी जो टाइमिंग है वो बराबर आपको रखकर इसका जो हमारा मैग्नेट का टाइमिंग है उसे सेट करना पड़ता है। अगर हम इसे ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो टैपिट होती है बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती है। आप टैपिट सेट करते रह जाएंगे, ये देखिए जो टैपिट है आप सेट करते रह जाएंगे, बट ये इतनी नॉइज़ करेगी कि आप इरीटेट हो जाएंगे टैपिट सेटिंग करते करते। तो ये चीज़ आपके साथ में ना हो, तो इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है कि आप लोगों तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और आप लोगों को बताया जाए अगर ये डी कंप्रेसर का जो टाइमिंग है वो अगर ओल्ड एक्टिवा में बराबर से सेट नहीं होता है तो आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा टैपिट का नॉइज़ होगा और आप सेटिंग करते करते थक जाएंगे। तो देखिए, मैं एक कैमशाफ्ट की ये बात कर रहा हूँ, ये कैमशाफ्ट और ये हमारी जो डी कंप्रेसर की पत्ती है ये दोनों चिपकी हुई होनी चाहिए जब हम टाइमिंग सेट करते हो तो मैग्नेट की। तो इसका वीडियो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इसे सेट करना है। पहले आप देख लीजिए, ये जो दोनों चीज़ें हैं, पत्तियाँ हैं, दोनों देखिए टचअप होनी चाहिए आपस में। तो अभी हम इसका थ्रेडिंग बना लेते हैं पहले लेथ पे ले जाके, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम लेथ वाले की तरफ आ गए हैं और अभी हम इसे अच्छे से साफ़ कर इसका थ्रेडिंग मारेंगे, क्योंकि हमारे जो प्लग जहाँ पर टाइट होता है तो वहाँ का जो थ्रेड था, मतलब सर्फेस था उसका, वो घस गया थोड़ा बहुत। गलत टाइट करने की वजह से, प्लग गलत बिठाने की वजह से उसका जो सरफेस है वो ख़राब हो गया। तो हम इसमें एक बुश मारने वाले हैं, नया बुश मारकर इसका थ्रेडिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से साफ कर लिया। और ये देखिए, मैं इस थ्रेडिंग की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे होती है। तो इसे हम ड्रिल मशीन की मदद से देखिए पहले इसे साफ़ कर लेंगे। तो आप आके इंजन पर ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो इसका बुरादा है, मतलब जो चूरा निकलेगा इसके अंदर से जो भी, तो वो क्या होंगे आपके इंजन में जाएंगे। तो इसलिए आपको पूरा हेड निकालना पड़ता है। तो हमने इसका हेड पूरी तरीके से निकाल लिया और लेथ पर लेके आ गया। अभी आपको बताएंगे, देखिए एक स्लू रहता है वो इसमें बिठाना पड़ता है। देखिए, इस टूल की मदद से इस स्लू को हम घुमाकर बिठा लेते हैं इसमें अच्छे से और फिर इसे हल्के से सेट कर देंगे। तो ये देखिए, बहुत इत्मीनान से करना पड़ता है काम को, ये देखिए। और इसे बिठा कर हम इसे तो अभी हम देखिए इसका काम चालू है। आप देख सकते हैं बड़ी मेहनत लगती है इसके अंदर, ये देखिए ये पूरी तरीके से देखिए टाइट हो गया है। अभी इसे निकाल लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं जिस बुरादे की बात कर रहा था, मतलब जो चूरे जो निकलते हैं वो यही होते हैं, ये देखिए। अब ये देखिए, हम इसे खोल ले रहे हैं। ये लत वाले लोग बराबर अच्छे से करते हैं, ये एक्सपीरियंस गाय बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो हम इनके पास ही काम कराते हैं। देखिए, ये आप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास में टूल्स अवेलेबल हो तो आप भी खुद भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अभी देखिए, हम ये इसे खोल ले रहे हैं और अभी देखेंगे इसका स्लू बराबर बैठा है कि नहीं। अगर इसका स्लू बराबर नहीं बैठेगा फिर भी प्रॉब्लम है। तो इसको एयर की मदद से देखिए पहले साफ़ कर ले रहे हैं, जो भी इसमें डस्ट वगैरह है वो बाहर हो जाएगा, इसका डस्ट निकल जाएगा, ये देखिए। पहले वो थ्रेडिंग उन्होंने बनाया था, अब इसके बाद में थ्रेडिंग बनाने के बाद में देखिए अब ये स्लू मार रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए, स्लू बहुत प्यार से चला जाएगा। थ्रेडिंग आपको बनाकर उस उतने साइज का देखिए स्लू मार कर वो फिर उसे देख कर देखिए उसे अंदर ही फंसा देते हैं। ये देखिए, अब ये इसको ये देखिए ऐसा कर कर सब उल्टा घुमा देंगे। देखिए, ये टाइट हो गया, सीधा घुमा दिया इन्होंने, ये ऐसा टाइट करके फिर उल्टा आपको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, तो उसका स्लू बराबर से बैठ जाता है, फिट हो जाता है। देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका स्लू कहाँ कैसे बैठा है और इसका स्लू कैसा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह का इसका स्लू होता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह का इसका स्लू होता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें स्लू इन्होंने लगा दिया है। इसका थ्रेडिंग बनाने के बाद में इसमें ये स्लू डाल दिए,
इसमें हमारा प्लग टाइट होता है, तो ये देखिए आप इसे थोड़ा सा चोट कर कर ताकि ये पूरी तरीके से जाम हो जाए, उसमें हमारा स्लू निकले ना, इसलिए थोड़ा ये ठोक कर इसे बराबर से फिट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो स्लू है वो बराबर बैठ गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि किस तरह का स्लू होता है ये। तो ये देखिए इसके अंदर प्लग ये टाइट करके हम चेक कर ले रहे हैं कि बराबर से टाइट हो रहा है कि नहीं। तो बराबर से प्लग इसके अंदर थ्रेडिंग इसका चढ़ रहा है, बराबर से टाइट हो गया है। और अभी चढ़ने के बाद आपको मैं स्लू दिखाता हूँ। ये देखिए स्लू कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए ये देखिए कुछ इस तरह का होता है, जो अंदर से हम तोड़ देते हैं, देखिए घुमा कर उल्टा घुमा देते हैं तो टूट जाता है। और अब हम इसका डी कंप्रेसर आपको सेट करना दिखाते हैं, इसका डी कंप्रेसर आप कैसे सेट कर सकते हैं, डी कंप्रेसर और कैम शाफ्ट की टाइमिंग आप कैसे सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रैंक बराबर से ऊपर लाना पड़ता है, क्रैंक का टाइमिंग आप मिला लीजिए, पहले आप ऊपर लेके आ जाइए क्रैंक को टॉप पोजीशन पे, मतलब उसकी जो मार्किंग है उस पर रख दीजिए। फिर उसके बाद में आपको कैम शाफ्ट को ऐसे घुमाना है, कैम शाफ्ट को जब आप घुमाएंगे तो देखिए जो कैम शाफ्ट है हमारा ये जो डी कंप्रेसर की पत्ती है उस पर देखिए ये ऐसा निशान होता है, उस पर टचअप हो जाएगा, दोनों भी आपस में मिल जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे करके उसे हल्का हल्का घुमा कर ऐसे घुमाना है, फिर आपको टैपिट चेक करना है। टैपिट में अगर प्ले है मतलब आपको ये चेक कर लेना है कि टैपिट में आपके क्लियरेंस है क्या, क्योंकि देखिए कैम शाफ्ट भी किस तरफ में, देखिए उसका भाग ऐसा ऊपर साइड में होना चाहिए, इस पर भी मार्किंग होता है, देखिए कैम शाफ्ट में देखिए ऐसा करेंगे तो ये उल्टा होता है, ये देखिए ये उल्टा हो गया, ये उल्टा पोजिशन हो गया। तो अभी हम इसे ऐसा और एक बार घुमाएंगे, मतलब आप जब तक ये डी कंप्रेसर और इसका टाइमिंग बराबर नहीं होता आपको इसे घुमाना पड़ता है। देखिए अभी ये बराबर हो गया है, देखिए ये दोनों चिपक गए हैं, देखिए ये बस हल्का सा इसे नीचे, इतना पूरा मत घुमाइएगा, पूरा घुमाएंगे तो आप बार बार आपको इसे घुमाना पड़ता है। मैंने आपको घुमाने के लिए फिर से घुमा कर दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए ऐसा करेंगे तो देखिए उल्टी पोजिशन में, फिर भी देखिए तो हमारा टैपिट पूरा टाइट है। अब हम इसे घुमाएंगे फिर से, और ये देखिए जो इसका उभार वाला सिरा है, देखिए आप नीचे की टैपिट देख सकते हैं, देखिए ये ढीली है, ऊपर वाली थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी, मतलब ये बराबर से टाइमिंग पे, देखिए ये हमारे पत्ती भी पूरी चिपकी हुई है, दोनों पत्ती चिपकी हुई है। इसको हल्का सा करके हम इसका जो चैन है उसको चढ़ा देंगे और इसका टाइमिंग मिला देंगे, तो टाइमिंग इसका मिला देंगे, देखिए ऐसा कर कर देखिए इसका जो टाइमिंग है वो रख कर टाइमिंग पे इसको रख कर हम इसे मिला लेंगे। तो इसका टाइमिंग देखिए अंदर साइड में थोड़ा, तो आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आप टाइमिंग नहीं जानते, मैं आपको इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मैंने उस तरफ का कवर खोला नहीं था, तो आपको दिखा नहीं पाया कि इसका मैग्नेट का टाइमिंग किधर है, क्योंकि लाइटिंग कुछ ज़्यादा ही है तो आप लोग देख नहीं पाएंगे कि कहाँ पर है। तो ये हमारा सेटिंग देखिए हो गया है और प्लग का थ्रेडिंग भी बराबर चढ़ गया है। तो अभी हम इसका कैम शाफ्ट फटाफट लगा लेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप इसे भी चेक कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर डालकर भी आप चेक कर सकते हैं, मैग्नेट घुमा घुमा कर जहाँ पर आपका ऊपर जब पिस्टन आता है तो आप समझ जाइए कि आपका टाइमिंग टॉप पे है, और या इसमें मार्किंग होता है वो भी आप चेक कर कर इसे फिट कर सकते हैं मार्किंग को देख कर। तो अंदर साइड में इसकी मार्किंग होती है वो आप देख नहीं पाएंगे, टी इस पे बना होता है। तो अभी हम इसे घुमा कर ऐसा ऊपर कर कर और इसे फटाक से लगा लेंगे। तो अभी ये बराबर से टॉप पे हमने इसको रखा है और इसका ये देखिए डी कंप्रेसर बराबर बैठा हुआ है और इसका टाइमिंग। तो अभी ये देखिए इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से देखिए आपको लगाना है। तो ये हमने ऐसा लगा लिया और ये देखिए ये लग गया है अच्छे से, ये देखिए ये टाइमिंग बराबर हो गई हमारी, ये टाइमिंग पे है, बराबर से टाइमिंग हो गया। और ये डी कंप्रेसर का जो सेटिंग था वो भी हमने बराबर से देखिए सेट कर लिया है। आई होप गाइज आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद खाली मेरा यही था कि लोगों को ये चीज़ बता सकूँ कि अगर आपका डी कंप्रेसर का जो ओल्ड है एक्टिवा का डी कंप्रेसर का सेटिंग आप बराबर नहीं करते हैं तो आपकी टैपिट की आवाज़ नहीं जाती है, चाहे आप कितना भी सेटिंग कर लेंगे उसको,
तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को कैसे लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कीप स्माइल, ऑलवेज बी हैप्पी।